जी हाँ। दो चाय दो सोडा जल्दी भेज दे। जी हाँ भेज रहा हूँ जल्दी। छोटू हाँ बोलो सेठ। इधर आओ मैडम हाउस में दो सोडा और दो चाय देते हैं। वो मैडम हाउस नहीं है नर्क हाउस है। आ, मेरे को मत भेजा करो सेठ। अबे पॉलिश भर का है और बात करता है हाथ भर की। अबे जैसे हमारा ये धंधा है वैसे उनका वो धंधा है। हम चाय बेचते हैं वो अदाएं बेचती हैं। है? जा 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 जा। बिल कितना हुआ भाई? अरे अब्दुल जी भाईजान साहब का कितना हुआ? हाँ एक प्लेट कबाब चार तंदूरी एक दाल 10 रुपए और पीछे टोपी वाले भाई साहब का केला पकड़ के 7 रुपए 12 आने। सलाम इब्राहिम। साला भूल गया कि गुनाहों की इस काली बस्ती में कालीनाथ का राज चलता है। राजा कालीनाथ जी इस प्रजा से क्या गुस्ताखी हो गई? गुस्ताखी हो गई है? पुलिस को तूने खबर दी कि मैं एक लड़के को उठाकर लाया हूँ बेचने के लिए? तौबा तौबा नौज बिल्ला। अगर मैंने आपके खिलाफ जबान हिलाई हो तो खुदा मुझे गूंगा कर दे। और फिर आपके साए में रह के तो मुझे धंधा करना है। आपसे दुश्मनी मोल लेके मुझे मुझे मरना है क्या? जीना चाहता है तो 5,000 रुपए निकाल दिल थाम के। 5,000? हाँ 5,000। अभी समझ में नहीं आता है तो 5 बार करके दिखाओ क्या? निकाल जल्दी। पुलिस ने मेरी जेब खाली की मैंने तेरी खाली की। हिसाब बराबर हो गया दिल थाम के। आजा बेटा आजा बैठ बैठ बैठ। जो चाहिए वो खा ले। बच्चे का ख्याल रखना। जी हाँ जी बेटे बेटे अपने ही होटल समझो जो चाहो खाओ। अब्दुल बच्चे के लिए कुछ ले आओ। नमस्ते। बुढ़ा से तेरे बाप का मान है क्या साले दल्ले की औलाद? अरे तेरी तो फुट आ। अरे मैं छोड़ूंगा। अबे क्या कर रहा है छोड़े ने? अभी बता ज्यादा देरी करता है। मेरे बच्चे को क्यों मारा रे? उसने मेरे दोस्तों को क्यों मारा? वो सबको मारेगा। बाप का राज है क्या? ला इधर। अला पढ़ने का नाटक करता है, मेरी किताब और बच्चों से जुआ खिलवाता है। मेरी किताब मत फाड़ो। मत काड़ा जान। मेरी किताब फाड़ दी। मेरी किताब साहब खाली। खबरदार जो इस बच्चे को मारा। इधर। तेरे ही शह पे ये हरामी कुत्ते शेर बन रहे। वो दिन दूर नहीं काली जब ये शेर बड़े होकर तुझे फाड़ कर फेंक देंगे। उससे पहले मैं इन नाली के कीड़ों को अपने जूतों से रौंद दूंगा और तुझे भी देख लूंगा। चल बेटे। चला बेटे। और आज तू स्कूल क्यों नहीं आया? वो दूसरा चाय वाला लड़का है ना मास्टर जी आज छुट्टी कर दी उसने। सेठ ने मेरी डबल ड्यूटी लगा दी। देख बेटा शाम का स्कूल तो जैसे बच्चों के लिए होता है इससे गैर हाजिर मत रहा कर। ये ले। वैसे जिस दिन तुझे काम हो मुझे बता देना मैं तुझे रात में पढ़ा दूंगा। अच्छा मास्टर जी। हरामजादे कुत्ते के पिल्ले। चलो भागो जल्दी। चलो जल्दी करो। कालीनाथ कालीनाथ कालीनाथ
ये सब क्या हो गया? देख देख, मुझे तो लहूलुहान कर गया और लड़की को भी धक्का कर ले गया। कालीनाथ, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। तू मेरे पैसे लौटा दे। मैं तो क्या ऐसी जगह कोई भी नहीं आएगा। इंस्पेक्टर, यही है वो लड़का जिसने उसका मर्डर किया है, यही है। मैंने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? मुझे मत पकड़ो। मुझे सब मालूम है कि तूने क्या किया क्या नहीं किया। मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। मैंने बैठ जा गाड़ी में, मैं कहता हूँ। नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बैठ जा गाड़ी में। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। कालीनाथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालीनाथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाचा, वो देखो आजकल खटिया बेचने वाले भी पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। पढ़ा लिखा होगा बेचारा, नौकरी नहीं मिली होगी तो बदकिस्मती की चारपाई उठाए फिर रहा है। अरे भाई, रास्ता रोककर क्यों खड़ा हो गया है? चल चल आगे चल। अरे पंडित जी, इस होटल के मालिक इब्राहिम चाचा ही है ना? हाँ, इब्राहिम चाचा ही है। कहाँ होंगे इस वक्त? अरे मुझे क्या मालूम कहाँ है। चल चल आगे चल, ना जाने कहाँ से चले आते हैं। वाह, क्या कस्टमर आया है। अबे हटके दुकान लगा, सुबह सुबह पनौती क्यों लगा रहा है? ठीक है, बाहर नाराज क्यों हो रहे हो?
कोई और जगह नहीं मिली, कमाल है। अरे रामू, कल शाम तक मुझे कपड़े जरूर मिलने चाहिए। हाँ हाँ, कल शाम को जरूर ले आऊंगा। अरे शन्नू, अरे शबीना, क्या रे, बैठने आए क्या? नहीं, मैं कालीनाथ से मिलना चाहता हूँ। यहाँ कोई कालीनाथ नहीं रहता है। सुबह सुबह धंधे का टाइम छुट्टी करता है, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मालूम नहीं। चलो बचा लोग, चलो। चल मुना, चल। गिरदारी क्या है बे? भाई साहब, ये स्कूल के बच्चे? स्कूल के हो या कॉलेज के, तो इसे मतलब तुझे गोद ले रहा है क्या? चल फुटिया से। ए, सुना है? तेल नहीं डाला है क्या? चल निकाल। अरे निकाल, अरे देख क्या रहा है, चल चल। पुलिस वाला है क्या? अरे बाबा भट्टी के इलाके में मिलिट्री नहीं आती तो सीआईडी कहां से आएगी? यह तो कोई अहम ही है। चल मेरे यार उस्ताद। क्या रबड़ो हाँ? चल चल पत्ते पे। तो का बात चल ना। सुनिए भाई साहब, क्या बे? भाई साहब, यहाँ पहले एक स्कूल हुआ करता था, एक मास्टर जी भी थे। बहुत दिनों के बाद आया क्या? जी हाँ। स्कूल तो बंद हो गया भाई, उसकी जगह कॉलेज खुल गया है। देखता नहीं विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं। आप? मैं प्रोफेसर भंडारी। बोल तुझे कौन सी क्लास में पढ़ना है, रमी की, फ्लश की या अंदर बाहर? जी माफ करना, मैं आपकी क्लास के लायक नहीं हूँ। अरे 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 तुम लोग कहाँ चले गए थे सालो? रेस कोर्स गए थे भाई, रेस कोर्स गए थे। अरे गिरधारी भाई, अल्लाह की कसम, क्या घोड़ी है, भागती है तो लगता है कि पैरों में बिजलियां कूद रही हैं। हाँ सेट आया जी, तुम बात करो। इब्राहिम चाचा, इब्राहिम चाचा, आपने मुझे पहचाना? अरे भाई, अगर उधार लेने आए हो तो नहीं पहचानता, और अगर कुछ देने आए हो तो पहचानने की जरूरत क्या है? चाचा, मैं छोटू, चाय वाला। हाँ चाचा, हाँ। तुम जेल से कब छूटा? आज ही, सीधा यहीं आया, मगर यहाँ तो सब बदल गया, कोई मुझे पहचानता तक नहीं, आपके होटल का नाम तक बदल गया। तू भी तो बदल गया है, पहले तो शरीफ छोकरा था, अब खूनी है, जेल से छूट के आया है। आप तो ऐसी बात मत करो चाचा, आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि वो खून मैंने नहीं किया था। हर मुजरिम यही कहता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन तेरा जुर्म तो साबित हो चुका है, तेरी बात कौन मानेगा? चल कहीं और ठिकाना ढूंढ। मैं किसी खूनी को नौकरी नहीं दे सकता। मैं नौकरी मांगने नहीं आया चाचा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि काले ना कर झंडू में होगा साला। नमस्ते। देख, तू अपने लफड़े में मुझे मत घसीट, शराफत से चला जा। चल फोट फोट। मास्टर जी का पता मालूम है आपको? ताकि मैं अबे मैं कोई इंक्वायरी ऑफिस हूँ, सवाल पे सवाल किए जा रहा है साला। इब्राहिम भाई, कुछ लफड़ा है क्या? हाँ नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। देख इस वक्त तू अपना ये बासी बर्तन मेरी नजरों से दूर ले जा। चल मैं ये साबित करके रहूंगा कि खून मैंने नहीं किया।
जिस रोज साबित हो जाएगा ना वापस आना, मैं तुझे फूलों का हार पहनाऊंगा। चाय नहीं आई क्या? अरे जा जल्दी भेज। हाँ भाई गिरधारी अब बोलो। टन टना टन, एक और खटिया पड़ गई, यानी कि अपनी इनकम बढ़ गई। जयराम जी की। अरे लेटे रहो लेटे रहो, आराम से लेटे रहो। जनता को आराम पहुंचाने के वास्ते हमने ये वर्दी पहनी है। नाम क्या है? अमर। आ हा हा, टन टना टन, क्या सुंदर नाम है। हमारी बड़ी दीदी के जेठ जी के साले जी थे, उनका नाम भी अमर था, मगर वो जवानी में ही मर गए। काम क्या करते हो? कुछ नहीं। बहुत अच्छा करते हो। चलो दौर पे निकालो। किस बात के? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जिस जगह तुम सो रहे हो ना, वो जगह बस्ती की है, और बस्ती थाने की है, और थाना हमारा है। अब तुम ये पूछोगे कि हम कौन है? चलो ये भी बता देते हैं, हम हैं पुलिस की नाक के बाल, इंसाफ की ढाल, हवलदार बांक के लाल। चल दो रुपए निकाल। अब जाइए और मुझे सोने दीजिए। तेरी नहीं तगड़ा। साले तूने इस चौराहे को अपने बाप का बेडरूम समझ रखा है? अबे तू है कौन, कहां से आया है? अरे कोई चोर है साला, कल रात से अपनी बिल्डिंग के नीचे डेरा जमाया हुआ है। नहीं भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैं गुंडा नहीं हूँ, मेरा बचपन यहीं गुजरा है। अबे चुप बे, ज्यादा सयाना मत बन। क्यों गेड़ा बन के पेड़ा खाने आया इधर? अरे निकालो इसे, सुन क्या रहे हो इसकी, पता नहीं जाने क्या करने आया ये। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरा इस बस्ती से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं छोटो चावाला हूँ, मैं यहाँ पर वेटर था, यहाँ पर एक स्कूल भी था जहाँ पर मास्टर जी हुआ करते थे। अगर आज वो होते हैं तो मेरी सच्चाई की गवाही देते। मैं छोटो चावाला हूँ। अयो सेठ, तुम्हारा पहचान वाला है ना, पब्लिक को मना करो, हमको अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपना काम कर, किसी के फटे में टांग नहीं डालते। अब आप लोग ही निकालिए, परेशान कर रखा है इस आदमी ने, रात से परेशान कर रखा हम लोगों को। अरे तुम लोग ही थक के देकर निकालो इसको, कुछ करेगा ना तो हम लोग हैं। जाओ हाँ मारो लाल साले को, खून करके जेल गया था साला खूनी, मारो साले को। अरे सुनो भाई लोग सुनो, ये आदमी खूनी भी है और जेल भी काट चुका है, मारो इसे। मैं चोर नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं,
मैं चोर नहीं हूं। और धर्मों से है। हाँ तो बच्चों, एक बात और। ये फिर आ गया? ये फिर आ गया? ये फिर आ गया? चलो बाहर, चल, चल बाहर आ गया। अरे चल, क्या कर रहे हैं? चलो बाहर। मैं मास्टर हूँ यहाँ। अरे चल, चल बाहर आ गया। अब चल, चल बाहर। क्या मुझे? चल बाहर आ गया। छोड़ दो भैया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मास्टर जी, मास्टर जी आपने मुझे पहचाना नहीं? पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं। देखती भी कहां से? ये छोटू तो बचपन ही जेल चला गया था। छोटू? हाँ छोटू, वो छोटू? हाँ मैं वही छोटू। इतना सा छोटू, कितना बड़ा हो गया है तू। कब आया? मास्टर जी जब से आया आप ही को तो तलाश कर रहा था। इस छोटू को बचपन में आप ही ने पहचाना था और आज भी आप ही ने पहचान लिया। लेकिन लेकिन मास्टर जी ये सब क्या है बेटे? वक्त इंसान को कहां से कहां ले जाता है। तेरे जेल जाने के बाद तेरी बेगुनाही सिर्फ मैं ही जानता था, इसलिए एक दिन। क्या बात है? मारो साले को। नहीं, नहीं, छोड़, छोड़। मेरे खिलाफ आवाज उठा रहा था साला। कालीनाथ तो मर गया, लेकिन जाते जाते एक ऐसा बीज बो गया जो अब एक जहरीला पेड़ बन चुका है, जिसकी जड़ें बस्ती की शराफत और नेकी को निगल चुकी है, जिसके साए में शैतान बसते हैं, और वो उन शैतानों का सरदार, कानून उसकी मुट्ठी में। कौन है वो? कालीनाथ का बेटा बाबा भट्टी। हाँ हाँ, अरे गुरु कल क्या तबियत से धुलाई की उस हीरो की, उसमें एक इंच की भी शर्म होगी ना तो मीलों तक दिखाई नहीं देगा साला। पता भी ना, पता पता। ये रहा बादशाह। हाँ मैं आ गया। अबे इतनी मार खाई फिर भी तेरी अकल की मूछ नहीं निकली? एक बाजी खेल कर जाऊंगा। अच्छा तो चल यही सही, पत्ते ला रहे? पत्तों से नहीं, सिक्के से खेलना है। बोल चेतिया पट। ये तो बच्चों का खेल है। जब बच्चों के स्कूल में जुआ खाना खुल सकता है तो जुए खाने में बच्चों का खेल भी हो सकता है। बोल चेतिया पट। अगर चित हुआ तो ये जगह तुझे खाली करनी पड़ेगी, और अगर पट हुआ तो ये जगह मुझे खाली करवानी पड़ेगी। अच्छा तो जित भी तेरी और पट भी मेरी। समझ गए प्रोफेसर भंडारी? Ah!
तुम्हारा ही नाम अमर है? हाँ, मेरा ही नाम अमर है। तुम्हें बाबा भट्टी ने याद किया है। अगर बाबा भट्टी को मिलना है तो यहां आकर मिले, अमर नहीं जाएगा। अमर जाएगा मास्टर जी, एक शैतान ने तो खून का इल्जाम लगा दिया है, देखते हैं ये कौन सा इल्जाम लगाता है। मैं किसी जाल में नहीं फंसूंगा। आपका अमर अब किसी भी जाल को अपने इरादे की ताकत से काटने के लिए तैयार है। बहुत खूब, हम निडर और बहादुर इंसानों की कद्र करते हैं। मैं तारीफ का भूखा नहीं हूं, मतलब की बात करो। बात तुम्हारे मतलब की है, इसीलिए हमने तुम्हें यहां बुलाया है। भंडारी के क्लब पर कब्जा करके तुमने हमारा दिल जीत लिया है, हम तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। मुझे शीशे में उतारने का कोई नया बहाना ढूंढा तुमने? नहीं, सिर्फ तुम्हारा फायदा सोचा हमने। जेल से लौटने वाले को न ये समाज इज्जत की नजर से देखता है, न सुकून की जिंदगी गुजारने देता है, मगर हमने तुम्हारे लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। हमारा दाहिना हाथ बन जाओ, इज्जत और ताकत तुम्हारे कदम चुमेगी। बाबा, तुम्हारी दौलत की चमक मेरे सीने में दहकती उस आग को ठंडा नहीं कर सकती जो तुम्हारे बाप के लिए बरसों से चल रही है। उसकी चिता को तो बहुत पहले मैं आग लगा चुका हूं। पुराने जख्मों को कुरेदने से बेहतर है हमसे जीने का नया अंदाज सीख लो। देखो हमारी तरफ, बचपन में जो रास्ता हमने चुना उसकी बदौलत आज हमारे पास इज्जत, ताकत, शोहरत, दौलत सब कुछ है, और तुम्हारे हाथों में क्या है? सिर्फ नाकामी की धूल। मगर इन हाथों को हम दौलत में खेलते हुए देखना चाहते हैं। मैं किसी शोकेस में रखा हुआ हीरा नहीं जिसे जो चाहे हार बनाकर अपने गले में पहन ले। मैं तो वो हड्डी हूं जो गले में अटक जाए तो जान ही ले ले। हड्डियां कुत्ते और बिल्ली के गले में अटकती हैं बरखुरदार, शेरों के गले में नहीं। और हां, चौराहे पर तुमने चापाई तो बिछा दी, अब उस पर छत डालने की कोशिश मत करना, अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम बुरों का बुरा होता है, अच्छों का नहीं। अपने बाप की मौत को याद रखना और अपनी मौत का रास्ता देखना। बाबा भाई, वो इतनी बड़ी बात कह गया और आपने से जाने दिया? चूंटी को तभी मारना चाहिए जब उसके पर निकल आए। ये बोर्ड नहीं उतरा भैया, बाबा भट्टी की इज्जत उतरी है। आज लगता है चौराहे पे कोई मर्द आया है। ये लीजिए मास्टर जी, लिखिए इस पर कि मास्टर जी का स्कूल फिर खुल गया है। ये क्या लिख दिया मास्टर जी आपने? इस बस्ती को स्कूल से ज्यादा इंसाफ घर की जरूरत है अमर। आज से यहां गरीबों को मदद, कमजोरों को सहारा और मजबूरों को इंसाफ मिलेगा। यहां वो काम होगा जो बस्ती की पुलिस कर नहीं सकती और बाबा भट्टी करने नहीं देता। अरे भैया, इंसाफ की दुकान खुली है, यहां सबको इंसाफ मिलेगा। अरे इसे तोल के बेचोगे नाप के? आप इन लोगों को हक और इंसाफ दिलाना चाहते हैं मास्टर जी, जो हम पर हंस रहे हैं? इनकी हंसी की परवाह मत कर अमर, इतिहास बताता है कि दुनिया जिन लोगों के पीछे चली उनकी पहले हंसी उड़ाई गई है।
उन्हें गालियां दी गई हैं, उन पर पत्थर फेंके गए हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों मिलकर इस बस्ती को बदल सकेंगे। खुद पर भरोसा कर, दो को चार होते वक्त नहीं लगता। आज हम देखता है, चार महीने का भाड़ा पड़ेला है और ये साला मवाली लोग हरम का खाता है, फोकट में रहता है। दरवाजा खोलो, नहीं तो आज हम तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ के रास्ते पे फेंक देगा। दरवाजा खोलो मैन, नहीं तो हम तोड़ देगा। अरे क्या है मम्मी, खाली पीली काय को बम मारता है, दरवाजा टूट जाएगा तो? टूट जाने दो, मगर वो आवारा लोग अब इधर नहीं रहेगा। पर मम्मी। चलो चलो, तुम लोग बाहर निकलो, नहीं तो मार मार के हम तुम्हारा हलक बना देगा। अरे मम्मी जाने दो ना, काय के लोग को भगाता है, हम गारंटी लेता है ना, ये लोग अपना पैसा दे देगा। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारे को बहन बना के ये फूल बनाता है, हम तुम्हारे माफी इडियट नहीं है, हमको ये लोग इधर नहीं मांगता है। ठहरी आंटी, आपको पैसे चाहिए, ये लीजिए, मगर इनको घर से बेघर मत कीजिए। तुम कौन है मैन, ये लोग का सगे वाला? सगे वालों से बढ़कर एक रिश्ता और होता है, दोस्ती का, प्यार का। बुखार उतरा कि नहीं? और तेज हो गया। अरे अभी भाग जाएगा, दबाकर पाव खा ले और गर्मा गर्म चाय के साथ ये गोली ले ले। एक बार मैं भी बीमार हुआ था, तब मास्टर जी ने मुझे यही गोलियां दी थी। छोटू कितना ख्याल रखता है तू हम सबका, अगर तू ना होता तो हम सब भूखे मर जाते। पोकट की तारीफ नहीं, तुम सब मेरे दोस्त हो, हम सब एक दूसरे का साथ देंगे तभी हमारी दोस्ती मजबूत होगी और तभी हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुकाबला कर सकेंगे। छोटू छोटू, तू छोटू है ना? छोटू तू कब आया यार? कल आया, तब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मास्टर जी ने बताया तुम लोग यहाँ। अरे गप्पा बोलो मेरे यार।
उसकी देंगे गवाही। कितना मजा आ रहा था बाके। जूली, तेरे जूस में भी वो मिठास नहीं जो तेरी बॉडी में है। हट, बस्ती में दंगा हो रहा है और तेरा नंगा पड़ेला है। हट नंगा। दंगा? दंगे में क्या हो रहा है? प्यार से एक दूसरे का सब लोग गले मिल रहा है। क्या हुआ? भाग गए साले। आएंगे उन लोग वापस। पूरा बंदोबस्त रखना। देखो साले, सीधी सी बात है यार, इंसाफ घर खुला है ना, तो आग लगी होगी। अरे उनकी आग को बुझाना जानते हैं हम लोग। क्या हुआ? कुछ नहीं यार। हाँ, हो सकता है ये सब बाबा भट्टी ने करवाया हो हम लोगों को परेशान करने के लिए। चल चल, वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं। अरे अरे, मगर यार ये लड़की का चक्कर कब से है? ये कंगन किसका? यार ये उसी लड़की का होगा जो अभी अभी मुझसे टकराई थी। भाभी भाभी, पता है आज क्या हुआ? वो मैंने आज तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। वो मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, तो वापसी में मैं बस्ती में उतर गई। वहाँ साड़ियों का बड़ा शोरूम है, साड़ी सेंटर, तो वहाँ सेल लगी थी। मैंने सोचा आज जाके सारी साड़ियाँ पसंद कर लूंगी, कल तुम्हारे साथ जाके खरीद लूंगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं वहाँ कभी नहीं जाती। मगर भाभी, साड़ियाँ सचमुच बहुत अच्छी है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। मगर अब क्या खुश होगी, मैंने जो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। मुझे मालूम है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। इतनी देर से बकबक करके मेरे पूजा भी खराब कर दी, मगर अभी तक ये नहीं बताया कि क्या नुकसान हो गया। वही तो बक रही हूँ, वो कंगन जो तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था ना, वो चोरी हो गया। चोरी हो गया? हाँ। कहाँ रख दिया था तूने? मेरी कलाई में था। कलाई में से कैसे चोरी हो गया? एक्चुअली वो चोरी नहीं हुआ, क्योंकि जो चोर था वो चोर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद एक चोर के पीछे भाग रहा था। पता
या नहीं चोर चोर करती जा रही है। ठीक से बता क्या हुआ है। भाभी जब मैं साड़ी सेंटर से निकली ना तो वो मुझसे टकराया और तुम्हारा कंगन उसके कड़े में फंस के निकल गया। और तूने उसे रोका नहीं। कैसे रोकती, जब मुझे ध्यान आया कि कंगन जा चुका है तब तक तो वो जा चुका था। भाभी अब क्या होगा, भैया सुनेंगे तो मुझे मार ही डालेंगे, उन्होंने इतने प्यार से तुम्हें लाके दिया था। अरे इसमें रोने की क्या बात है, तूने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों इतना परेशान होती है हा? तेरे भैया को मैं समझा दूंगी, ठीक है। बालकिशन। यस सर। अमर नाम के आदमी को बुला। जी सर। यस। तो तुम्हारा नाम अमर है। जी। ये इंसाफ घर तुमने खोला है। जी। किस लिए? लोगों की मदद करने के लिए। क्या मदद करते हो लोगों की? गरीबों और मजबूरों पर जुल्म नहीं होने देते, लोगों की शिकायतें सुनकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सीधे लफ्जों में बात का मतलब यह है कि जो काम पुलिस करती है वो तुम लोग कर रहे हो। मतलब आप निकालिए, काम हमें करने दीजिए। क्या नाम है तेरा? रमन। रमन माइकल यूसुफ। यानी चौराहे के चार सिपाही और सिपाहियों के खिलाफ लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई है कि तुम उन्हें डराते हो, मारते हो, धमकाते हो, गुंडागर्दी करते हो। अगर ये रिपोर्ट है तो बिल्कुल ठीक है सर। हम बेशक डराते हैं उन लोगों को जो दूसरों पर ज्यादती करते हैं, धमकाते हैं उन लोगों को जो दूसरों को धमका कर पैसे लेते हैं, मारते हैं उन लोगों को जिन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। अब ये गुंडा करती है या नहीं इसका फैसला आप ही कीजिए। काफी तेज आदमी मालूम होते हो, एक ही वक्त में अपने क्राइम को मान भी रहे हो और उससे इनकार भी कर रहे हो। अपनी अपनी सोच की बात है सर, जिसे आप क्राइम बोलते हैं उससे बहुत से लोग वरदान समझते हैं। मैं वरदान नहीं, तुम्हारा बयान लेने आया हूं। और बयान मैं दे चुका हूं, लेकिन मेरे सवाल अभी पूरे नहीं हुए। इंस्पेक्टर हो या रिपोर्टर, दिन के उजाले में भी तुझे ये वर्दी दिखाई नहीं देती? अगर शक है तो तेरी आंखों का ये अंधेरा दूर कर दूं। पुलिस की ये तेवर मुजरिमों को दिखाना मुझे नहीं। मुजरिम तो तुम हो, सजा भुगतने से तुम अपने माथे पर लगा हुआ वो दाग नहीं मिटा सकते जो तुम्हारी पहचान है। सिर्फ पुलिस वालों की नजरों में यहाँ के लोग मुझे सच्चाई और इंसाफ का वो चौराहा समझते हैं जिसका हर रास्ता शराफत, इज्जत, नेकी और इंसानियत की उस मंजिल पर पहुंचता है जिस पर कभी ना पुलिस वाला पहुंचा है और ना पहुंचेगा। शराफत, इज्जत और इंसानियत की मुहाफिज चंद सड़क छाप बेकार लड़के नहीं हो सकते। अगर तुम्हारा ये इंसाफ घर पुलिस और कानून के रास्ते का पत्थर बना तो मैं अपनी ठोकर से हटा दूंगा। हटाना ही है तो इस पवित्र धरती से उन गुनाहगारों को हटाओ जो हर रोज पुलिस को खरीदते हैं, कानून को बेचते हैं, गरीब और बेसहारा इंसानों की जिंदगी का सौदा करते हैं। हटाना ही है तो इस धरती के चेहरे से उन भोड़ों को हटाओ, खत्म कर दो उन नासूरों को जो बाबा भट्टी के नाम से मशहूर है। गुनहगार उस वक्त तक मशहूर रहता है जब तक पुलिस ढील देती है, लेकिन जब पुलिस कानून की रस्सी खींचती है तो बड़े बड़े मुजरिमों के गले में फांसी का फंदा होता है। और दुनिया का कोई भी मुजरिम कानून से बड़ा नहीं होता, आज नहीं तो कल बाबा भट्टी का भी वही अंजाम होगा जो अब तक हर मुजरिम का होता आया है। लेकिन तुम लोग इंसाफ करने के जोश में कानून को अपने हाथ में मत लेना, वरना तुम्हारा यह इंसाफ घर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। सलाम साहब। जय हिंद सर। जिंदगी का दूसरा नाम है बागेलाल। कौन है बे? बागेलाल सुना नहीं तुमने? I'm sorry, sir. मैं समझा कि कोई बीमार आ गया है। क्या मतलब? ये पुलिस स्टेशन है या अस्पताल? सर, अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है और यहाँ पे मुजरिमों का। सर, चोरी, डकैती, बलात्कारी, ये भी तो सब सामाजिक मरीज है ना सर। बकवास बंद करो और अपनी टोपी संभालो। ओ सर,
ऊपर की कमाई है। क्या? मेरा मतलब है कि ऊपर वाला देता है, बंदा लेता है। सर, यहाँ की फिकर वहाँ का ख्याल रखा है, बड़ी अदा से दोनों जहाँ सवाल रखा है। Shut up! ये पुलिस स्टेशन है, मुशायरे की महफिल नहीं। बकवास बंद करो और बाबा भट्टी की फाइल लेकर अंदर आओ। ये लीजिए फाइल सर। सर ये फाइल मत खोलिए सर। सर इससे पहले भी कई ऑफिसरों ने यह फाइल खोलने की कोशिश की थी, कई ऊपर चले गए और कईयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस मुजरिमों को बंद करेगी और जुर्म हमेशा के लिए खत्म होगा इस इलाके से। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते बाबा साहब। ये आचार्य नरेंद्र सिंह त्यागी है, इनके सर्व धर्म संगठन के लिए कुछ मदद चाहिए थी आपकी। धर्म और नेकी का काम है। कलयुग में धर्म और नेकी का प्रचार अंधों के शहर में आईना बेचने के बराबर है आचार्य जी। फिर भी हम आपके साथ हैं। मैं आचार्य जी को 2 लाख रुपए दे दूं। आइए। धन्यवाद बाबा साहब, भगवान आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे। धर्म हमें आशीर्वाद देता है और कानून हमारा दुश्मन है। ये राजेंद्र सिंह तितली है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पिछले महीने ही आप हमसे 2 लाख रुपए ले गए थे। आपके इलाके में ना कोई दंगा हुआ, ना मजहब के नाम पर कोई मरा। जाओ, जाकर माहौल को गर्म करो, चारों तरफ आग के शोले भड़काओ ताकि भूख और बेरोजगारी बढ़ती रहे, उधर पुलिस चिंता के साथ उलझी रहे और यहां हमारा काम इत्मीनान से होता रहे। क्यों तिवारी? सरकार, दुनिया को परख लिया, पहचान लिया, लेकिन ये राधे मोहन तिवारी आपको नहीं समझ पाया। कुओं की गहराई ख्यालों के बांसों से नहीं नापी जाती तिवारी। हमारी तह तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। आप में से बाबा भट्टी कौन है? हमारा नाम बाबा भट्टी है, लेकिन तुम कौन हो? मैं इंस्पेक्टर कैलाश माथुर हूं। तुम्हारी शोहरत और नाम ने मुझे मजबूर कर दिया तुमसे मुलाकात करने के लिए। ओ, नए हो? नहीं, पुलिस तो बहुत पुरानी है, तुम जैसे लोग हर रोज नए पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जबान को लगाम दो इंस्पेक्टर, हम पुलिस को अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन पहली मुलाकात में तुम दुश्मनी का बीज बो रहे हो। नहीं, आखिरी मुलाकात के लिए रास्ता बना रहा हूं। तुम्हारे गुनाहों की फाइल मैंने खोल दी है, आज के बाद जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। आग को दूर से देखना इंस्पेक्टर, करीब आओगे तो जल जाओगे। हमारा एक मशवरा भी सुनते जाओ, इस इलाके से अपना ट्रांसफर करवा लो या फिर हमेशा के लिए हमारी फाइल बंद कर दो। बाबा भट्टी, मैं जिस फाइल को खोलता हूं ना, वो मुजरिम को जेल में बंद करने के बाद ही बंद करता हूं। ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर। बाबा साहब, नया जूता और नया पुलिस वाला आवाज ज्यादा ही करता है। ऐसी आवाज बंद करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। तुम अपने जन जागरण पार्टी की फिक्र करो, 5 लाख रुपए लो, पार्टी को मजबूत करो। अब की बार इलेक्शन में तुम्हारी पार्टी की तरफ से हम अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। क्या हाल है दोस्तों? पूजा, भूख लगी, जल्दी से खाने का बंदोबस्त कर दो ना। कौन जीत रहा है भाई? आज खाना खिलाने कौन बाहर ले जाएगा? आज ताई माँ जीत रही हैं। और मेरी बहन हार रही है। अरे ये कैसे हो सकता है? चला पत्ते दिखा। हाँ दिखा दिखा दिखा।
अरे ओ छिपकली कहीं की, इतने सारे जोकर लेकर बैठी है और शो नहीं करती। ये देख, ये रहा तेरा सीक्वेंस। हुआ, ये हुआ तेरा ट्रायो, ये जोकर यहाँ लगा और इस पत्ते से तेरी गेम ओवर हो गई। चलो गिनो पॉइंट, गिनो टाइम। देख के अरे वहाँ बड़ा आया पॉइंट गिनवाने वाला। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रही हूँ, मैं पूनम के साथ खेल रही हूँ। अरे तो मैं और छिपकली, मेरा मतलब मैं और पूनम दो थोड़ी हैं, एक ही हैं। क्यों पूनम? अरे तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं। पूजा आज अपना आकाशवाणी चुप क्यों है? चुप नहीं होगी तो और क्या करेगी? जो कंगन आपने मुझे लाकर दिया था इसने खो दिया। हे भगवान, इसने कंगन खो दिया और मुझे किसने बताया तक नहीं? इसलिए नहीं बताया कि आप बिलावजह परेशान हो। परेशान होने की तो बात ही है, अरे इतना कीमती कंगन खो दिया, लापरवाही की भी कुछ हद होती है। जानती उसकी क्या कीमत थी? पूरे 9,665 रुपए, वो भी रिश्वत के नहीं, मेहनत की कमाई किए। लेकिन तुम्हें क्या परवाह है, भाई बहुत प्यार करता है और ला देगा। अरे कुछ शर्म करो, शर्म। अरे ये ओ छिपकली, तू तो मजाक में भी रोती है। अरे कंगन खो गया तो खो जाने दे, उसमें क्या है। अरे पागल, ये सचमुच मजाक कर रहे थे। तुम दोनों मुझसे बात मत करो। सोच लो, अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो साड़ियाँ कहाँ से आएंगी, हाँ, जो तुम रखवा कर रही हो। अरे चल चल, हंस दे हंस दे, चल हंस दे। मैं नहीं हंसूंगी, बात भी नहीं करूंगी, तुम दोनों ने मुझे रुलाया है। अरे हंस दे तो तुझे एक साड़ी मिलेगी। दो साड़ियाँ? नहीं, तीन साड़ियाँ, एक मेरे लिए। अब हंसी ना। तुझे क्यों मेरी चेन लेके भाग गया? अरे पकड़ो उसको। अरे कोई है? अरे आप लोग खड़े खड़े मुझे देख रहे हैं। देखिए भैया, मेरी चेन लेके भाग गया, प्लीज। आहिस्ता रखो भाई। अरे ये तो वो, अरे मेरा कंगन। सुनो सुनो सुनिए, मेरा कंगन आपके पास। सुनिए, चल चल निकल गए वो, आजा चल चल जल्दी। अरे भाई माचिस है क्या? हाँ है। क्या रहा? माफ कर दो भाई साहब, चोरी करता है। हाँ चल चल, उठक बैठक चल, 25 उठक बैठक। शुक्रिया भाई साहब। सुनो सुनिए, वो कंगन। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये कंगन मुझे वापस मिलेगा कभी। मेरा कुछ काम ही ऐसा है, लोगों की खोई हुई चीजें वापस करना। आपका नाम क्या है? अमर, 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 अमर। बैठिए प्लीज। अरे आप अभी तक खड़ी हैं? बैठिए ना प्लीज, बैठिए। ओ, आप नहीं बैठेंगे? जी मैं बैठूंगा, आप तो बैठिए। आपको इंसाफ घर का नाम बदल देना चाहिए अब। जी मैं समझा नहीं। दरअसल ये तो फरिश्तों का घर है, प्यार का घर है। कितने भोले और प्यारे हैं यहाँ के लोग। लगता है धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो बस वो जगह।
जिंदगी यही है? शुक्रिया। ओह माय गॉड, क्या हुआ? भूल गई, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए था। देखिए ना, अगर आप नहीं मिलते तो वो कंगन नहीं मिलता, और अगर कंगन नहीं मिलता तो आप नहीं मिलते मुझे। मेरा मतलब है, अगर वो कंगन नहीं मिलता ना तो भैया मुझसे नाराज हो जाते ना। अरे भी क्यों नहीं होते, पूरे 9965 रुपए का था। कमाल है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इतनी अच्छी बातें कर रही हैं आप, क्या अच्छा लग रहा है। सच सच भैया, भाभी और ताईमा तो कहती है जब मैं बात करती हूँ ना तो मेरा सिर्फ मुंह हिलता नजर आता है। बात समझ में नहीं आती कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी समझ में तो आ रहा है ना? अच्छी तरह। और जो मैं कहना चाहती हूँ वो भी समझ रहे हैं ना आप? जी वो भी समझ रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझे क्या मालूम, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे। कुछ कुछ पूरी तरह नहीं समझा। मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हाँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? बता रही हो ना, बीच में क्यों बोलते हो? मेरी सहेली ने मुझसे एक सवाल किया है। क्या सवाल किया आपकी सहेली ने? फिर बीच में बोले, मेरी सहेली ने सवाल किया है। बता पूनम, 25 से 30 बरस तक की उम्र का प्यार कैसा होता है? 20 से 21 बरस तक की उम्र का प्यार और 15 से 16 बरस तक की उम्र का प्यार कैसा होता है? कितनी इडियट है ना, कैसा अजीब से सवाल करती है। ये अजीब नहीं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। 25 से 30 बरस तक की उम्र का प्यार, पुख्ता संजीदा, किसी बड़े मैदान के सीने पर बहते हुए दरिया की तरह गंभीर और शांत होता है। और 20 से 21 की उम्र में किसी ऊंची पहाड़ी से गिरता हुआ आबसार की तरह गुनगुनाता हुआ अटखेलियां सा करता हुआ, और 15 से 16 की उम्र में पाक बेचैन, अपने इर्द गिर्द की हर चीज से लापरवाह, बिल्कुल आपकी तरह। Thank you.
मुझे कुछ कहना था, अब मुश्किल चुप रहना। भाई वाह बाबा भाई वाह, आपके भी क्या अजीब अजीब शौक हैं, सांपों से खेल रहे हैं। सांपों से नहीं खेल रहा हूं ऑफिसर, बल्कि जहरीले सांपों को दूध पिला रहा हूं। माफ कीजिए बाबा भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, सच्चाई तो यह है कि कभी कभी सांप दूध पिलाने वाले को डिटेल डस लेते हैं। हमें दुश्मनों को पालने की बहुत बुरी आदत है। अरे हाँ बाबा भाई, आपके उस नए दुश्मन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। किसके बारे में? वही जिसने आपके क्लब पे कब्जा कर रखा है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, वो सारे पेपर्स उस मास्टर के नाम हैं। ऐसे मामूली प्रॉब्लम को भूल जाओ ऑफिसर, छोटी मोटी चीजों को भूलकर मैं एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचना चाहता हूं, और इसी तरह आप लोगों के हाथ मेरे हाथ में रहे तो ये काम भी आसान हो जाएगा। इस वक्त आपके रास्ते की मंजिल कौन सी है? इस बात का भी पता आपको बहुत जल्द चल जाएगा। फिलहाल आप इसे संभालिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे साहब इसी की तो जरूरत है, आज की दुनिया में इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं। अगर ये मुंह फेल ले तो जमाना दुश्मन हो जाए टन टन आ टन। चलो 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 जल्दी करो। मास्टर जी आप लाइए, आपका सामान पहुंचा देता हूं। नहीं बेटा, जब तक हाथ पांव में जान रहे आदमी को अपना काम खुद ही करना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो कहते हैं कि हर आदमी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा चल ले चल। बाप इतना वजन आप लेके चलते, मेरे को नहीं बोलते। चलिए अरे जल्दी चलो। तू यहाँ क्या कर रहा है? काम पे क्यों नहीं गया? मैं अब भी आया गिरिराज सेठ, मास्टर जी का सामान पहुंचा के मैं अब भी आया। साले पैसे हमसे लेता है, काम इस लंगड़े का करता है। हम्म, चल काम पे चल वरना जान से मार दूंगा। तो क्या देखता है? बड़े शर्म की बात है गिरधारी, जिनके खेलने कूदने के दिन है उन मासूम बच्चों को अपने काले धंधे में लगाकर क्यों उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है। अपना रास्ता नाम मास्टर, चल फूट। तो बस्ती वालों को क्या पढ़ाता है आप उनको संभालूंगा, लेकिन जिस दिन बाबा भट्टी को मालूम पड़ गया ना कि तू इन बस्ती वालों को उसके खिलाफ भड़काता है तो मां कसम ये डेढ़ की एक हो जाएगी। अल्फुट मेरी टांगे तोड़ने से कुछ नहीं होगा गिरधारी, मुझे चुप कराने के लिए मेरी हिम्मत तोड़नी पड़ेगी, जिसकी हिम्मत ना तेरे बाबा सेठ में है और ना उसके पालतू कुत्तों में, समझा? लंगड़े मेरे सामने सुबान चलाता है, तेरी इतनी हिम्मत कि बाबा भट्टी के खिलाफ चौराहे के लोगों को भड़काए? आज के बाद राम सादे लंगड़े खुसक, आज के बाद तेरी हिम्मत की ऐसी की तैसी। मास्टर जी, मास्टर जी, ब्लडी इडियट, तुम एक शरीफ आदमी को ऐसा मार रहे? साला तुम्हारा फादर का माफिक है ये? अरे गिरधारी अल्लाह की कसम क्यों अपने गुस्से को गलत जगह जाया कर रहे हो? चलो कुछ ठंडा गर्म। इब्राहिम भाई
मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि बाबा सेठ ने लोगों को सर पे क्यों चढ़ा रखा है। मां कसम, अगर मुझे इशारा कर देना तो मैं इस इंसाफ घर में एक भी जिंदा ना छोड़ू। ठीक है ठीक है, आओ आओ साथ छोड़ दो, आओ आओ छोड़ो मेरे साथ। उठिए मास्टर जी, उठिए। बहुत हंस रहे हो सेठ, अब मुझे भी हंसकर ये बताओ कि गिरधारी कहाँ? वहाँ वहाँ होगा साला, वहीं पड़ा होगा। अगर बाबा बट्टी को मालूम पड़ गया ना तो तेरी बाबा को बाद में, पहले तेरे को बता देता हूं मास्टर जी पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। मैंने तो सुना था जहां इंसाफ होता है वहां शांति होती है, ये इंसाफ घर के सामने अशांति का नंगा नाच कैसे हो गया? ये बात अब हमसे नहीं, इससे पूछिए। तुम्हारा मतलब है ये दंगा फसाद इन लोगों ने शुरू किया था? जी ये झूठ बोलता है साहब, ये सब हमारे वर्कर्स हमारे खिलाफ भड़काते हैं साहब, हमने रोका तो हम पे हमला कर दिया साहब। इस शरीफजादे से ये तो पूछिए कि इसका धंधा क्या है। क्या धंधा है तेरा, बोलता क्यों नहीं? बाबा भट्टी का आदमी है साहब। बाबा भट्टी का आदमी? जी। अरे साहब हमसे पूछिए,
हम हैं यहाँ के सिपाही, सच्ची देंगे गवाही। अब इंक्वायरी बेकार है, ये हमारा विचार है। इन सबको बंद कर दो, फिर कोर्ट कचहरी चलेगी, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। अबे ओ घोषखोर चवनी चोर, अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा है तू? शट अप, ज्यादा सयाना बनने की कोशिश मत करो। सर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ ये लोग क्या धंधा करते हैं। आइए सर। बागेलाल पंचनामा तैयार करो। इस कमरे में सर। इस माल पर कब्जा करके इस कमरे को सील कर दो। अब तो समझ गए ना इंस्पेक्टर साहब, ये शरीफ लोग हमसे नाराज क्यों हैं? क्योंकि हम इनके दो नंबर के धंधे पर एक नंबर का लेबल लगाने नहीं देते। हो सकता है तुम्हारे इरादे अच्छे हों, लेकिन तरीके गलत हैं। कानून जब किसी को रोकता है तो सजा कहलाती है, और तुम जैसा कोई रोके तो जुर्म। क्या अपनी जान की हिफाजत करना भी जुर्म है इंस्पेक्टर साहब? नहीं, लेकिन हथियार उठाना जुर्म है। यह हथियार नहीं, मेरी बैसाखियां इंस्पेक्टर साहब, और यह तो खुद मजबूरी का सबूत है। देखिए मास्टर जी, जब तक यह सहारा बनी रहे तब तक यह बैसाखी है, जब यह हाथ की लाठी बन जाए तो हथियार कहलाती है। लेकिन हथियार तभी उठते हैं इंस्पेक्टर साहब जब सहारे टूट जाते हैं। कानून से बड़ा कोई सहारा नहीं होता, और इस इलाके में कानून का रखवाला मैं हूं, तुम नहीं। इस बार इसलिए छोड़ रहा हूं कि फसाद की शुरुआत तुमने नहीं की थी, लेकिन आइंदा कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं भी तुम्हारा वही असर करूंगा जो तुम लोगों ने गिरधारी का किया है, समझे? मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम्हें बाबा भट्टी के आदमियों से उलझने की क्या जरूरत थी। अगर इन लोगों को कुछ हो जाता, तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता, गरजने वाले बरसते नहीं, और हमें अपनी जान की भी परवाह नहीं, और हम तो फैसला कर चुके हैं, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, एक जान है चाहे बंदा ले या दाता। लेकिन जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है अमर, जानते हो कितना खतरनाक आदमी है वो? बुरे वक्त से बड़ी खतरनाक कोई चीज नहीं इस दुनिया में। जब हम उसका मुकाबला कर चुके हैं तो वो क्या बेचता है? आखिर इतना जहर क्यों है तुम में? इसलिए कि जहर में पला हूं मैं, नफरत मेरी नस नस में है, बदला लेना मेरी फितरत बन चुका है। मैं बाढ़ बनकर इन सबको तबाह कर देना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी ये भी सोचा है कि बाढ़ पर आई नदी दूसरों के साथ अपने किनारों को भी तबाह कर देती है? ये गलत है बेटी, किनारे तबाह नहीं हुआ करते, किनारों का ही तो दूसरा नाम साहिल है, और साहिलों पर से तो हजारों तूफान मौकी खाकर लौट जाते हैं। लेकिन मास्टर जी, इनका बदला जिससे है वो तो मर चुका है। नहीं, वो जिंदा है, बाबा भट्टी में, भंडारी में, गिरधारी में, इस चौराहे के गुंडे में, और जब तक इन सब का अंत नहीं होता कालीनाथ जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा कालीनाथ। मैं आपकी वापसी मुबारक हो बद्रीनाथ जी। अरे बाबा, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत 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 खुशी हुई तुमसे मिलकर। बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी हुई। भाई तिवारी, इनको पहचानने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बाबा भाई, बस एक नजर तस्वीर दिखाई दी आपने, सामने आते ही पहचान लिया। बद्रीनाथ जी आप बिराजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आया। पीने का पहले, जैसी आपकी इच्छा। हाँ बेटे, अब मुझे पूरी प्लानिंग समझा दे कि करना क्या है। सबसे पहले तो हमें ये बात राज में रखना है कि हम दोनों बाप बेटे हैं। ठीक है, दूसरी बात, तुम महात्मा गांधी के साथी थे। हाँ। आजादी की लड़ाई जीतने के बाद तुम साउथ अफ्रीका चले गए थे। हाँ। और फिर देश की सेवा करने के लिए वापस आए हो।
समझ गया। तिवारी की जन जागरण पार्टी से मैं तुम्हें असेंबली इलेक्शन में खड़ा कर रहा हूं। पैसे और ताकत के जोर पे किसी हालत में भी ये इलेक्शन मैं तुम्हें जितवाऊंगा। फिर उसके बाद तुम इतने महान नेता बन जाओगे कि हिंदुस्तान के हर घर में तुम्हारी तस्वीर लगेगी। हाँ, वो तो गोली खाने के बाद ही लगती है। गोली चलाने वाला तुम्हारे साथ है तो फिर तुमको कौन मारेगा? वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब सब कुछ तेरे पास है तो आसमान से तारे तोड़ने का सपना क्यों देख रहा है? मेरा अरमान है कि मैं लोगों पर हुकूमत करूं। लोगों पर हुकूमत करने का मतलब है शेर की सवारी, जान का खतरा, मौत का डर, दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा। अपने आंखों के इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तेरी आंखों में सपने हैं लेकिन लोगों की आंखें खाली है। अगर किसी की नजर ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? तुम्हें पहचानने वाले ज्यादातर भगवान को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं उन्हें मैं भगवान को प्यारा बना दूंगा। जो मैंने सोचा है तुम्हें करना होगा। तुम्हारे इंसाफ घर के न्याय मूर्ति अमर कहां है? बाबा फूल लाए हैं तुम्हारे लिए। इन फूलों के बीच कांटे भी छुपे होंगे। छुपे थे मगर तुम्हारे खातिर निकाल दिए। हमें वो लोग बहुत पसंद हैं जो आंखों में आंखें गाड़ कर बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ तुम्हारा यह अंदाज बचपना है। घर आए हुए मेहमान को बैठने के लिए भी नहीं कहोगे? दुश्मन मेहमान नहीं हुआ करते। हम दोस्त हैं या दुश्मन उसका फैसला अभी नहीं होगा। फिर कब होगा? हमारे यहां से जाने के बाद। ये लोगों की सेवा करना, उनकी भलाई के बारे में सोचना, इस बात का सबूत देना है कि हम सब अक्ल के अंधे हैं। क्योंकि आंख का अंधा तो लाठी का सहारा लेकर टेढ़े मेरे रास्तों पर भी चल सकता है, लेकिन अक्ल का अंधा सीधे रास्ते पर भी ठोकर खा जाता है। और भलाई में बुराई निकालने वाले उस मक्खी की तरह हैं जो सारे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्म पर ही बैठती है। मतलब की बात करो तो सुनो, दंगा किसी भी किस्म का हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो या पार्टी के नाम पे, उसमें सिर्फ तुम्हारे जैसे जज्बाती नौजवान ही मरते हैं। ये ऊंचे महलों में रहने वाले, मर्सिडीज में ट्रेवल करने वाले लोग कभी नहीं मरते। जानते हो क्यों? इसलिए कि उनके पास दौलत की ताकत है, और आज के दौर में इंसान को जीने के लिए इस ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुम लोगों ने बस्ती वालों पर अपना विश्वास कायम कर लिया है, और यह विश्वास तुम सबके लिए नोटों की टकसाल बन सकती है। इस जगह पर रहकर तुम लोग महात्माओं की तरह काम मत करो। अगर करना ही है तो उन नेताओं की तरह करो जो गरीबों की समस्या छुप कर सुन लेते हैं मगर उठकर हमेशा धनवानों के साथ जाते हैं। अब तुम ही फैसला कर लो, वो अच्छा है जो तुम कह रहे हो या ये अच्छा है जो हम तुमसे कह रहे हैं।
फैसला तो बहुत पहले कर चुके हैं हम। जुर्म और जुल्म के घने पेड़ों के एक एक शाख को तोड़कर फेंकना है हमें। और एक बात याद रखना, अगर दोबारा इस छत पे अपने पापों का अंधेरा फैलाने की कोशिश की तो उसी अंधेरे में हमेशा के लिए डुबो दिए जाओगे। तो अब सुनो, दोबारा इस बस्ती में बाबा भट्टी जब आएगा तो जुल्म की वो हड्डी बनकर आएगा जो तुम्हारे गले में ऐसे फंसेगी कि ना तुम उसे निगल सकोगे ना तुम उसे उगल सकोगे। रुक जा बाबा भट्टी। दोबारा इस बस्ती में जुल्म की हड्डी बनकर आने से पहले अपनी तस्वीर अपने घर की दीवार पे टांग कर आना ताकि तेरे प्यादे इन फूलों की माला बनाकर अपने नर्कवासी मालिक के गले में डाल सकें। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो रात के 12 बजे थे और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। पिंटो हम क्या बोले, जूली देवी हमारी बात ही नहीं सुनती। बनारसी राजा तुम बोलो, मैं अपन सुनता है। तो सुनो, मेरा जी करता है तुम्हारे जूस की धार को रस्सी बनाकर तुम्हारे घर तक पहुंच जाऊं। मैं तुम ट्राई कर को नहीं किया अभी तक। कैसे करूं, प्रेम मुझे रोके है, खेचे है मुझको पिंटो। हाय बे गटर के ढक्कन, तभी हम सोचते हैं बास कहां से आता है। जूली कसम उस तरह की, तुम इसकी शायरी पे मत जाना। जूली इनकी बातों में मत आना, इन लोग थर्ड ग्रेड का आदमी है, तुम हराम हाई लेवल का। तुम भी गोवा का, हम भी गोवा का, तुम्हारा हमारा जोड़ी कैसा रहेगा? बहुत बुरा रहेगा। पर मैन तुम लोग जूस तो पियो, मैन गरम होता है, ये लो शक्कर। तुम इसमें अपना उंगली डाल दो, ये शक्कर से भी ज्यादा मीठा हो जाएगा। नो बनारसी, अब उनका नेल पॉलिश खराब हो जाएगा। देखो कौन से कलर का नेल पॉलिश लगा। छोड़ बिल्कुल, देख बोलता है छोड़ छोड़। ए मैन, ए हमारा उंगली टूट जाएगा मैन। छोड़ अरे छोड़, धंधा छोड़ के इधर मस्ती कर रहे हो? धंधा छोड़ के इधर मस्ती क्या करता है? ए मत मारो यार लोगों को, धंधा छोड़ मस्ती कर रहे हो? थैंक यू वंस मोर डॉक्टर पिंटो, तुम्हारा जूस। अरे भाग गया, भागो साला इधर से, नजर नहीं आना इधर। हल्दर साहब आपकी टोपी, और कोई रास्ता नहीं था। भाग यहां से साला। ए जूली लगी तो नहीं, आज के बाद साला कोई इस इलाके में नजर नहीं आएगा। 7-7 साल के लगवा दूंगा सबको। मैं ना पूछता है, तुम्हारे डंडा हमेशा खड़ा काहे को रहता है? तुम साला जोर लोग को कम मारता है, हमारे ग्राहक लोग को ज्यादा मारता है। ए चिल्लाती काहे को रानी, ये लोग तेरा ग्राहक लोग नहीं है, फटे हुए पोस्टर की तरह तेरे बाकड़े से चिपक जाना चाहते हैं। मगर जूली जब तक बांग के इस इलाके में, इनकी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि तेरी खातिर मैं बार बार रिश्वत खिलाकर इधर की ही ड्यूटी लगवाता हूँ। पंजूली को रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों पसंद नहीं। अगर मैं रिश्वत लेना छोड़ दूं तो फिर अपन। अरे बोलना तो करेगी ना, अरे मुझसे प्यार करेगी ना? नो 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 नेवर। काय को, काय को अपन को तेरे डंडे से डर लगता है। ला 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 ला। ये क्या, आज भी तुम लोग कैरम लिए बैठे हो? चलो चलो खेल बंद करो, बंद करो ना। तो फिर क्या करें? वाह, ये भी कोई पूछने की बात है? आज नया साल है, मैं केक लाई हूँ, आज हम सब लोग मिलकर नए साल का जश्न मनाएंगे, कम ऑन। लेकिन हम लोग नया साल नहीं मनाते। क्यों 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 क्यों? बस बेटा मत पूछो, पर हम तुम लोग को नहीं रोकेगा। तुम लोग खाओ पियो ऐश करो। अरे नहीं माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? माँ के बगैर बच्चे ऐश करें ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ आंटी, आज तो आपको केक काटना ही पड़ेगा। हमको मजबूर मत करो मैन, तुमको नहीं मालूम 7 साल पहले हमारा बेटा जेरी अपना वाइफ मेरी के साथ न्यू ईयर मनाने गोवा जाता होता, रास्ते में कार का एक्सीडेंट हुआ, दोनों उधर ही मर गया। तभी से हम कभी न्यू ईयर नहीं मनाता। जिंदगी और मौत तो गॉड की मर्जी की बात है, हमारे हाथ में तो सिर्फ आपको खुश रखना है। मगर आज का दिन हम अपना बेटा जेरी और मेरी की मौत को कैसा भूल सकता है? वो हमको जेरी और इनको मैरी,
ओह नो, इनको जेरी और मुझे मैरी समझकर? हाँ, हो सकता है आज की रात वो दोनों आपको नया साल की मुबारकबाद देने को सीधा हेवन से हमारी पार्टी पर आ जाएं। रियली? सिर्फ एक बार हम अपना जेरी और मेरी को देखने को मांगता है, सिर्फ एक बार। Yeah.
जोड़ों में नंबर वन, सब जोड़ों में नंबर वन, हम दोनों का जोड़ी, हम दोनों का जोड़ी, बिल्कुल पिक्चर जैसा है अपना ये लव स्टोरी, अपना ये लव स्टोरी, मैं तेरा हीरो हूँ, तू मेरा हीरो, मैं हीरोइन हूँ तेरी, तुम बंदा का मेरी, हम माहिम का जेरी, हम बंदा का मेरी, तुम माहिम का जेरी, ओ हमको रोमियो, तुमको जूली, मजा आ गया। ए भाई साहब, भाई साहब, मेरा डंडा कहीं खो गया है, आपको मिला है? मेरी बीवी कहीं खो गई है, आपको मिली है क्या? हट, हट, मेरा डंडा, मेरा डंडा। बनारसी बाबू जी, आपने मेरा डंडा देखा है? आपका डंडा? मैं क्यों देखूंगा? बनारसी जी, जी कोई मुझसे मेरा डंडा ले गया है। डंडा ले गया है? हवलदार साहब, बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। आपको मालूम है आपकी नौकरी भी जा सकती है? हाँ बनारसी बाबू, बहुत खुशी, इसलिए तो कोई मेरा डंडा ले गया है। बहुत खुशी की खबर है। खुशी की खबर है? साले वो डंडा मिलने तो दे, उसमें राय का तेल लगा कर तेरे कंधे सर पे ना मारा तो मेरा नाम भी बांके लाल नहीं टंटन अटन। मेरा डंडा गया, तेरा डंडा तो गई तेरी नौकरी, गई तेरी नौकरी तो गई तेरी छोकरी, टंटन 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 टंटन। ऐसी भूल हरगिज मत करना, कैलाश तेरा पति है और हर पति अपनी पत्नी को सती सावित्री के रूप में देखना पसंद करता है, लेकिन इस आंखों सीने में दबाई और कब तक जीऊंगी मैं, चिता तक आखिरी सांस तक। भूल जाओ उस मनुष्य को, समझ ले कि ऐसा हादसा तेरी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं था। याद रख, अगर तूने अपनी जबान खोली तो तेरा जीवन नर्क हो जाएगा बेटी, तू कैलाश की नजरों से गिर जाएगी, और मुझे डर है बेटी कि कहीं वो तुझे ठुकरा कर हमेशा के लिए तुझसे मुंह न मोड़ ले। नहीं, नहीं ताई माँ, मैं तो उनके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। तो फिर अपने सुख चैन के लिए मेरी बात मान बेटी, तेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैंने तुझे औलाद की तरह पाला है, और कोई भी माँ अपनी बेटी को तड़पते हुए नहीं देख सकती। कैलाश तेरा भगवान है, और अगर भगवान नाराज हो जाए तो दुनिया उजड़ जाती है बेटी। पहले
पहले ठीक से खड़ा तो होने दो, बाद में ले लेना। हाँ जाओ जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तिवारी जी ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा, जितनी भी तारीफ की, इज्जत दी, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके काबिल हूं, क्योंकि एक आदमी की राय जनता की मर्जी नहीं हो सकती। ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि जनता हमें कितना चाहती है, और इलेक्शन में खड़े होकर हमने सही किया या गलत किया। एक्सक्यूज मी सर। यस। अगर ऐसी ही बात है तो क्या आपका इलेक्शन में खड़ा होना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि इस देश का हर आदमी किसी ना किसी जगह खड़ा है। कोई इलेक्शन में खड़ा है, कोई राशन के लाइन में खड़ा है, कोई घासलेट के लाइन में खड़ा है, कोई पानी के लाइन में भी खड़ा है ना? बस यूं समझिए कि खड़े ही खड़े जी रहे हैं लोग। इन खड़े हुए लोगों को आराम से बिठाने के लिए मैं खड़ा हूँ, आप बैठ जाइए। सर आप साउथ अफ्रीका कब गए थे? तुम्हारे पैदा होने से पहले। सर आप जीतने के बाद महिलाओं के लिए क्या करेंगे? करेंगे करेंगे, महिलाओं के लिए हमारे पास इतने प्रोग्राम हैं कि महिलाएं थक जाएंगी, लेकिन उनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते हम नहीं थकेंगे। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का क्या तरीका है? बहुत आसान, रात को पत्नी के पास मत जाइएगा। आप राजनीति में कब आए? भाई हमारा जन्म ही राजनीति की गोद में हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम खानदानी नेता है, खानदानी। मेरे दादा ने 1857 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत की थी, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उस वक्त उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। मेरे पिताजी जालियांवाला बाग में जलकर मर गए, जनरल डायर की गोलियों से वो डाय हो गए। तब मैं बिल्कुल छोटा था, छोटा, लेकिन उसी वक्त मैंने इस देश के लिए मर मिटने की कसम खाई, और उसी कसम को आज तक निभा रहा हूं। यहाँ तक आ गए हो तो अंदर आने में क्या परेशानी है? डर। डर किसका? तुम्हारे भाई का। मेरे भैया ऐसे नहीं जैसे तुम समझते हो। बाय। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। ये लो। मेरे लिए यही काफी है। कल शाम तुम दिखाई नहीं दी। कहाँ गई थी? मैं एक सहेली से मिलने गई थी। वो लड़का जो पहुंचाने आया था सहेली का भाई होगा। वो अमर था भैया, रास्ते में मिल गया था। अमर कौन? अमर भैया, भैया ये तो वही है जिन्होंने मुझे बचाया था। मैंने आपसे कहा था ना, इन्होंने बस्ती में गरीबों की सेवा के लिए इंसाफ कर खोल रखा है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अब तो बहुत से लोग भी इनके साथ हो गए हैं। होना ही चाहिए, अच्छे आदमियों का साथ सब देते ही हैं। जी मैं भी चाहता हूं कि उसकी मदद करूं। आज शाम उसे घर पे बुला लो, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूं। जी अच्छा, चलता हूं। मुझे नाश्ता तो किया ही नहीं आपने? ऑफिस में कर लूंगा। भाभी भैया अमर से मिलना चाहते हैं। लगता है कल रात उन्होंने अमर को मेरे साथ देख लिया होगा, मगर वो नाराज तो नहीं ना भाभी मुझसे? बधाई हो, मन की मुराद मिल रही है। जरा मेरे दिल को देखो भाभी, कैसे जोर जोर से धड़क रहा है। मैं देख कर क्या करूंगी? उसे दिखा जिसके लिए धड़क रहा है तेरा दिल। ओ भाभी। ना मत मेरे भैया से, स्मार्टली बात करना। हाँ भाभी ये। नमस्ते। नमस्ते। आओ अमर। अरे पूजा चाय वाय का बंदोबस्त करो ना। आओ अमर बैठो। आओ पूनम को कब से जानते हो?
अभी कुछ ही दिनों से। और इतनी जल्दी तुम उसके इतने करीब आ गए? ये तो कुदरत की मर्जी है सर। कुदरत की नहीं, तुम्हारी मर्जी है। जो भी समझे आप, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ये इतनी सी नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिंदगी का सौदा है जिसमें हर हाल में पूनम नुकसान में रहेगी और तुम फायदे में। क्या मतलब? मतलब यह कि अगर तुम्हें पूनम मिल गई तो समाज में तुम्हें एक मकाम मिल जाएगा। लोग ये भूल जाएंगे कि तुम इस दुनिया में किसी के प्यार की वजह से नहीं, एक हादसे की वजह से पैदा हुए हो। तुम्हारा बाप कौन था, तुम्हारी माँ कौन थी, ये कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारी हर बुराई, हर बदनामी हमारी शराफत और इज्जत के पीछे छुप जाएगी। मिस्टर कैलाश, मेरी जिंदगी की किताब के उस पन्ने को खोलने की कोशिश मत कीजिए जिसे मैं फाड़ कर फेंक चुका हूं। कागज फाड़ने से लिखाई मिट सकती है लेकिन सच्चाई नहीं। आईना तोड़ने से कभी तुम्हारी नजर अपने चेहरे पर पड़े हुए गुनाहों के दागों को नहीं देखेगी जो तुम्हारी असलियत है। पुलिस की आंख सिर्फ मुजरिम को देखती है, उसके दिल के जख्मों को नहीं। मैं जेल गया था तो आपने मालूम कर लिया, लेकिन क्यों गया था ये आपने जाने की कोशिश नहीं की। जिसकी परवरिश चौराहे की गंदी गलियों में हुई हो और जो बचपन में ही अपने हाथ किसी के खून में डुबो चुका हो, उसके पास और भी कुछ बाकी है बताने के लिए? आप बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए। अगर बैर इंसाफ के कान है तो सुने, अगर अंधे कानून की आंख है तो पहचाने मुझे। मैं वही छोटू चाय वाला हूँ जिसने अपनी जान पर खेलकर उस शैतान कालीनाथ को एक मासूम लड़की की आबरू बेचने से रोका, उसकी इज्जत लूटने से पहले उसकी हिफाजत की। ये लो अपना नागपुर का टिकट, गाड़ी का समय हो गया है। छोटू, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसे एहसान मत कहो पूजा जी, इसे छोटे भाई का प्यार समझकर याद रखना। मगर अफसोस, मेरी नेकी मेरी दुश्मन बन गई। जिसकी सजा भुगतने के बाद भी आज तक मैं सजा भुगत रहा हूँ। लोग तो मुर्दों को जलाते हैं, लेकिन आप शराफत और इज्जत का बहाना लेकर मुझे जिंदा जला रहे हैं। ये गलत है। जिस आग में तुम जल रहे हो वो आग तुम्हारी अपनी लगाई हुई है, और अब तुम उस आग में मेरी बहन को किसी तरह चाहते हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शुक्रिया मिस्टर कैलाश, आज तक मैं आपको एक बहुत बड़ा इंसान समझता था, लेकिन आपके घर आने के बाद ये मालूम पड़ा कि आप एक बहुत ही छोटे आदमी हैं। आप जैसे आदमी से इंसाफ की नहीं, सिर्फ नाइंसाफी की उम्मीद की जा सकती है। अमर, वक्त का इंतजार करो पूनम, मेरी सच्चाई नफरत की हर आग को बुझा देगी, तब ये मजबूर हो जाएंगे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने के लिए। नहीं अमर, रुक जाओ पूनम। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कोई पागल है, चलो। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ सर, मुड़ते ही ओले गिरने लगे, पोस्टर्स बैनर्स लगे नहीं, साले गालियां देने वाले पहले ही खड़े हो गए। गालियां? किसने गालियां दी आपको? अरे कुछ नहीं बाबा भाई, बद्रीनाथ जी खुश नसीब है जो लोग इन्हें गालियां दे रहे हैं। हमें तो सारी जिंदगी नेतागिरी में झक मारते हो गई, अब तक तरस रहे कि पब्लिक गालियां दे हमें। सीधी बात करो तिवारी, चक्कर क्या है? पब्लिक की जुबान को ऊपर वाले का नगाड़ा समझो, नगाड़ा। अभी तो साला वो आमर ही खड़ा हुआ है बजाने को,
कल पता नहीं कौन कौन बजाने के लिए खड़ा हो जाएगा। पाव शेर मारकर पत्थर मार रहा था साला पोस्टर को। अरे बद्रीनाथ जी, आपकी हवा गरम देखकर अपोजिशन वाले बौखला गए हैं। थोड़ी ढींग ढांग करने के लिए इंसाफ घर वालों को माल खिलाया होगा, देखा नहीं आपने? पत्थर मार रहा था आपकी तस्वीर को और गाली दे रहा था साला किसी कालीनाथ को। तिवारी, मुंह खोलने से पहले अपनी औकात मत फूला करो। बाबा भाई, आप तो खाम खा गरम हो रहे हैं। ये सब अपोजिशन वालों की चाल है। चंद में ऐसे ड्रामे तो होते रहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे ड्रामों में कभी कभी लोग अपनी जाति दुश्मनी भी निकाल लेते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो समर की जुबान बंद करना बहुत जरूरी है। ये काम मैं करूंगा बाबा भाई, और अपनी खुन्नस भी निकाल लूंगा उस साले से। नहीं गिरदारी, तुम अभी अभी जेल से छूट कर आए हो, ये काम स्नेक ही करेगा। हथियारों के साथ किसका इंसाफ करने जा रहे हो? इंसाफ नहीं मास्टर जी, आज उसे सजाए मौत देने जा रहे हैं जिसकी मौत का ऐलान बहुत पहले हो चुका था। किसकी मौत का बेटे? वही जो आज शहर में बद्रीनाथ के नाम से राजनीति में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है, कालीनाथ। क्या, कालीनाथ जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है मास्टर जी, गुंडागर्दी के ठेकेदारों ने कालीनाथ को बद्रीनाथ बनाकर आज तक जिंदा रखा है, और अब उसे खत्म करने के अलावा मेरे पास और कोई मकसद नहीं। यस मास्टर, हम लोग वो दोनों बाप बेटे को नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं जिंदगी में एक बार तो छोटू को खून के इल्जाम में जेल जाता हुआ देख चुका हूँ। क्या तुम सब भी? नहीं, मैं ये नहीं देख सकूंगा। तुम्हें से किसी को भी कुछ हो गया तो यही बेहतर है मास्टर जी, या हम उसे मार डालें या खुद शहीद हो जाएं। अच्छा, शहीद होकर हजारों बरस तक अपनी मजार पर मेला लगाना चाहते हो? अरे मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग जिंदा रहो हजारों बरस और लोगों को इंसाफ दिलाओ। और तुम्हारे जिंदा रहने में मेरा भी तो स्वार्थ छुपा है। पता नहीं मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी रह गए हैं, और मेरी अर्थी को कांधा देने वाले वो चार कांधे तुम ही तो हो। बेटे, बरसों तक तू जिन चोटों से तड़पता रहा उनका बदला तू उसे एक ही बार में मार कर लेना चाहता है? कालीनाथ का विनाश करने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश कर। उस पेड़ को जिंदा रखने वाली जड़ों की तलाश कर, फिर ऐसा तेजाब छिड़क उन पर कि वो पेड़ भी गिर जाए और उसकी छांव में बसने वाले भी दबकर मर जाए। समझदारी से काम ले, फेंक दो ये हथियार। आज दिवाली है, आज तो तुम्हारे हाथों में अपने मास्टर के दिए हुए तोहफे और खुशियों के दिए होने चाहिए। सुनो बेटा, ये पैकेट मास्टर जी को दे दो। जाओ। नमस्ते। 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 नमस्ते जी। नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, ये लीजिए मिठाई। किसने दिया बेटा? उस गाड़ी वाले ने। मुझे अफसोस है कि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप अफसोस करने आए? हाँ, और तुम्हारा बयान लेने भी। किसी पर शक है तुम्हें? नहीं। मास्टर जी का कोई ऐसा दुश्मन जो उनकी जान लेना चाहता था? मास्टर जी को लोग चाहते थे, उनकी जान कोई नहीं लेना चाहता था। मैं जानता हूं, तुम लोग सब कुछ जानते हो,
लेकिन पुलिस को बताना नहीं चाहते। जो भी समझे, ये जंग हमारी है, इसे हम खुद लड़ेंगे और खून खराबा होगा। होने दो, जंग में खून ही बहता है, जाने ही जाती हैं, और हमें अपनी जान की परवाह नहीं। बयान खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। बाबा कहाँ है? हाँ? बाजू बोल बोल बाबा बाबा बाहर में है। I'm
सुन सकता है तो सुन, मैंने तेरे सालिशान बार में डायनामाइट लगा दिया है। एक धमाके में तेरा ये पापों का महल मिट्टी का ढेर हो जाएगा। माइकल रमन, बाबा का कोई आदमी बाहर न जाए। हे, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? रिमोट कंट्रोल मुझे दे। जा जाके बाबा को भेज। मैं कहता हूं पहले रिमोट कंट्रोल मेरे हवाले कर। नोबडी इज गोइंग टू मूव। अब आप इस तरफ मत जाइए बाबा, पुलिस आ चुकी है। अमर, ये रिमोट कंट्रोल मुझे दे दो। नहीं सर, नहीं, मैंने डायनामाइट डिफ्यूज करके निकाल दिया है। तुम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मास्टर जी का कातिल कौन है, और वो इस वक्त यही मौजूद है। कौन है वो? अभी मैं गिरफ्तार करूंगा, देख लेना। यू देयर, डोंट मूव।
किसी की जान लेते वक्त किस बात का ध्यान रखना जरूरी है गिरधारी। मरने वाला मर जाए लेकिन खून के छींटे अपने पर ना पड़े। अगर पुलिस को मारने वाले पे शक हो गया तो फिर? मारने वाले का सफाया लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। सांप? ओ, मेरा मतलब है कि स्नेकी में नजर पड़ गई। कहाँ है वो? बोरी बिल्ली के डांडिया रस में अपना डंडा घुमा रहा है टन टना टन। मैं भी कितना हरामी हूं, दोनों तरफ ढोल बजाता हूं, उधर से माल कमाता हूं, इधर से ना। जब मैं बच्चा था तब भारतवासियों पर अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार को देखकर बहुत रोता था, लेकिन जब गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया तो आजादी के उस आंदोलन में मैं भी कूद पड़ा। अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, मगर मैं आज भी रो रहा हूं। आजकल के इन नेताओं को देखकर जो जुल्म और अत्याचार को ढाने में अंग्रेजों के भी बाप हैं, जो देश को भाड़ में झोंक रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जिन्हें ये बिल्कुल परवाह नहीं कि चारों तरफ भूख और गरीबी फैली हुई है, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और महंगाई आसमान को छू रही है, और अलगाववादी ताकतें धर्म और भाषा के नाम पर खून की नदियां बहा रही है। लेकिन मैं डंके की चोट पर ऐलान करता हूं कि मेरे दिल में आप लोगों का सच्चा दर्द है। आप लोगों के दुख को मैं अपना दुख मानता हूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक हूं। मुझे न धन का लालच है न सत्ता का स्वार्थ है, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि भारत अखंड रहे, भारतवासी फूले फले और तरक्की करें, मगर ये सब आप लोगों के सहयोग और विश्वास से। ये झूठा मक्कार है, ये कोई लेता रहता नहीं है, ये मासूम बच्चों को बेचता है, दलाल है, पकड़ो रामदादों को। मैं जालिम और मुजरिमों की मौत हूं, और मौत को तुम तो क्या, दुनिया की सारी पुलिस मिलकर भी कैद में नहीं रख सकती। भागने की कोशिश करके देख, पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। अरे जानता हूं, राजनीति के मंडी में जो सबसे सस्ती चीज बिकती है वो है पुलिस। बोल के तुम्हें खरीदा उस रामजादे नेता ने तुझे। मार,
और मार रुक क्यों गया? निकाले अपने खुन्नस, फिर मौका नहीं मिलेगा। नहीं, अमर ने कोई जुर्म नहीं किया है। आप कानून का सहारा लेकर अपना बदला ले रहे हैं। आप एक बेगुनाह को इसलिए सजा देना चाहते हैं कि उसने एक इज्जतदार नाम वाले पुलिस अफसर के बहन को चाहने की जुर्रत की है। अगर आप में हिम्मत है तो उनको सजा दीजिए जो दिन दहाड़े आपके कानून का मजाक उड़ाते हैं, जो जिंदा इंसानों को बमों से उड़ा देते हैं, जो इंसाफ घर को सिर्फ इसलिए बंद करना चाहते हैं कि वहां गरीबों को इंसाफ मिलता है। मगर आप उनको सजा देंगे कैसे? उन्हीं के पैसे पे तो आपकी पुलिस चलती है। भगवान के लिए रुक जाइए, मारना है तो मुझे मारिए, सजा देनी है तो मुझे दीजिए। दोषी तो मैं हूँ, आपके पूनम की। भाभी ये क्या कह रही है तू, पागल हो गई क्या? प्लीज ताइमा आज मुझे मत रोकिए, बताने दीजिए वो सच्चाई जो दिन रात मेरे जमीर को ललकारती रहती है, एक नाक की तरह मेरे आत्मा को डसती रहती है। बेटी भगवान के लिए चुप हो जा। ठहरिए ताइमा। हाँ पूजा बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? अपनी जिंदगी की वो घिनौनी तस्वीर जिसे अब तक मैंने तुम्हारी नजरों से छुपाए रखा, वो आज आज तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ। हाँ कैलाश, जब मैं 12 साल की थी तो कालीनाथ ने मुझे स्कूल से उठा लिया था। उस तूफानी रात को अमर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी इज्जत नीलाम होने से बचा ली। उस एहसान की कीमत उसे आज तक मिल रही है। कभी जेल काटकर, कभी बदनाम होकर, कभी प्यार को कुर्बान करके, वो देवता है कैलाश, वो मेरे भाई के जैसा है। एक ऐसी अभागिन बहन का भाई जो उसे भाई भी नहीं कह सकती, तुम उसे माफ कर दो प्लीज। उसके हिस्से की जितने भी सजा बाकी है मुझे दे दो प्लीज। नहीं पूछा, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। सच? हाँ पूछा, अमर के एहसान का जो तुमने एतराफ किया है वो एक बहुत ही महान काम है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अमर इतना अच्छा लड़का होगा, और मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मैंने जो कुछ कमाया था उसका आधा हिस्सा तो दे दिया, आखिर हमें रोटी भी तो खानी है। रोटी तो फिर भी मिल जाएगी भाई, लेकिन इस देश में इंसाफ नहीं मिलता। बात पैसे की नहीं है भैया, नियत की है। अगर ठाने ली है तो कल तक 25,000 रुपए का बंदोबस्त जमानत के लिए हो ही जाएगा। अगर आज शाम तक पैसा पूरा नहीं हुआ ना तो फिर तुम जूली का कमाल देखना। जूली? क्या रे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा लाइफ का? अरे जूली तू फिर भूली, अरे क्यों चढ़ना चाहती है सूली? मत भूल ये लोग बाबा भट्टी के दुश्मन है, अगर तूने इनका साथ दिया तो बाबा की भट्टी में जल जाएगी। अरे हमारे हाथों से नहीं, इस दुनिया से भी निकल जाएगी। हमारी बात मान ले जूली। तुम साला पुलिस वाला होके इंसाफ का साथ छोड़ दिया तो हम तुम्हारा साथ क्या देंगे? हाँ अरे जूली, तू बाबा भट्टी की ताकत को नहीं जानती है। क्यों, तुम डरते हो बाबा भट्टी से? हम बाबा भट्टी से नहीं, इस बात से डरते हैं कहीं से कुछ ना हो जाए, क्योंकि हम इससे सच्चा प्यार करते हैं। झूठ बोलते हो तुम, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वो सच्चाई के खिलाफ लड़ते नहीं, उसका साथ देते हैं। क्यों ऑफिसर, आजकल जेल में लोगों ने मरना बंद कर दिया है क्या? नहीं, ऐसे हादसे तो अक्सर होते ही रहते हैं। तो फिर एक हादसा और हो जाए, अमर को इस दुनिया से उस दुनिया में भेज दिया जाए, और उसकी मौत के इल्जाम में इंस्पेक्टर कैलाश को पुलिस फोर्स से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी बाबा, मेरी नजर में मौत का एक फरिश्ता है।
अमर, इलेक्शन में सिर्फ दो दिन बाकी हैं। टन टना टन, भाग जाओ यहां से। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब मजा आएगा बद्रीनाथ जी। टन टना टन। शराब का इंतजाम तो बहुत अच्छा किया। शबाब का इंतजाम किया है या नहीं? वो भी कर देते हैं। इंस्पेक्टर, यहां इस देश का कानून चलता है या जंगल का? बद्रीनाथ जी कितने हो चुके हैं और तुम लोग खामोशी से बैठे हो। अगर तुम इस कुर्सी के लायक नहीं हो तो उतार दो ये वर्दी, घर जाकर बैठो। बाबा भट्टी, अपनी खोपड़ी की भट्टी को ठंडा रखो। मैं भी तुमसे ज्यादा गर्म होकर बात कर सकता हूं। हेलो, हाँ एक मिनट, एक मिनट सर, आपका फोन। हेलो, हाँ ठीक है। देखो बोसले, तुम फोर्स और बढ़ा दो और पूरे एरिया को सील कर दो और मुझे थोड़ी थोड़ी देर में खबर देते रहना, ओके? देखिए आप लोग प्लीज यहाँ भीड़ मत कीजिए। जैसे ही हमें बद्रीनाथ जी की खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बांके लाल, हाँ जी, आज ही साहब को फोन मिलाना। जी बहुत अच्छा। बद्रीनाथ जी अगर नहीं मिले तो सारे शहर में आग लग जाएगी इंस्पेक्टर। हाँ, पब्लिक गम और गुस्से से भरी हुई है। पब्लिक गम और गुस्से से भरी हुई है। कौन है ये बद्रीनाथ? महात्मा धर्मात्मा? क्या हस्ति है उसकी जो पब्लिक दंगोफसाद करेगी? अगर ऐसी बात है तो जो भी हंगामा होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। अरे धमकी किसे देते हो, जाके कर लो जो करना है, मैं भी देख लूंगा। इस कुर्सी के जोश में आकर इतना उड़ने की कोशिश मत करो इंस्पेक्टर। मैं तुम्हारी ये वर्दी उतरवा कर अभी पुलिस फोर्स से बाहर कर सकता हूँ। विल यू शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है कालीनाथ, मैं वही छोटू हूं जो आज से 15 साल पहले चाय का धंधा किया करता था और तू भड़वागिरी का। हां मैं वही छोटू हूं जिस पर तूने अपने गुनाहों की काली स्याही थोपी थी, जिसे मैं आज तक नहीं मिटा पाया। अब तो पहचान लिया होगा। यस यस, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, बिल्कुल पहचान लिया, मगर तुम मुझे पहचानने में गलती कर रहे हो। मेरा नाम कालीनाथ नहीं बद्रीनाथ है, जरूर तुम्हें धोखा हुआ है। तू सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है लेकिन उन आंखों को कैसे धोखा दे सकता है जिनके सामने तेरी तस्वीर 15 साल से घूम रही है। तू चाहे कितने नाम बदल ले, अपने चेहरे पर हजारों चेहरे लगा ले, मगर मुझसे नहीं छुप सकता। तुझे मेरी बेगुनाही का सबूत बनना पड़ेगा कालीनाथ। अरे देखो भैया अमर, मैं कालीनाथ नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। अगर मैं ही इलेक्शन में नहीं रहा तो इलेक्शन का क्या होगा?
कालीनाथ ने जो नाइंसाफी तुम्हारे साथ की थी ना, उसकी कीमत तुम मुझसे ले लो और मुझे जाने दो। तू किस किस चीज की कीमत देगा कालीनाथ? जिंदगी के उन 15 सालों की कीमत जो तूने मुझसे छीन लिए, उन रातों की कीमत जो मैंने रोते बिलखते जाकर गुजारी है, उन उम्मीदों की जो कभी पूरी नहीं हो सकेंगी, उस नफरत की जो सारी दुनिया मुझसे करती है, और किस किस की कीमत देगा तू? किस किस की? अरे 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 अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कालीनाथ इतना कमीना आदमी होगा साला। ची 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 ची, उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ पुलिस कमिश्नर के पास चलो, हम दोनों उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखते हैं। यस। लो और एक मारो, और एक मारो। लेकिन अमर बेटे, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं कालीनाथ नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। यस। और मैं भी शपथ लेता हूं कि जब तक तू अपने पाप स्वीकार नहीं कर लेता, तो बाहर की रोशनी नहीं देख सकता। ए, 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 अरे 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 अरे, सुन अमर बेटे, देखो मैं कालीनाथ नहीं हूं, मैं बद्रीनाथ हूं यार। इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। कोच की दवा करो इंस्पेक्टर कैलाश। बाबा भट्टी की गिरफ्तारी का वारंट लेने आया तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? विल यू प्लीज कीप क्वाइट, लेट मी फिनिश रीडिंग दिस फाइल। सर, ये दोनों तस्वीरें एक ही आदमी मुजरिम कालीनाथ की है, और ये बद्रीनाथ के नाम से इलेक्शन लड़ रहा है। मैंने जो सबूत हासिल किए हैं उनसे ये साफ जाहिर होता है कि ये मुजरिम बाबा भट्टी का बाप है, लेकिन किसी साजिश की वजह से इस रिश्ते को राज में रखा जा रहा है। सर इंस्पेक्टर कैलाश, बद्रीनाथ का सुराग लगाने के बजाय एक नया झमेला खड़ा करने आया है। अगर ये केस जरा भी उलझ गया तो तमाम पुलिस फोर्स बदनाम हो जाएगी। सर, कोई भी कदम उठाने से पहले हमें हर अंजाम के बारे में ठीक से सोच लेना चाहिए। ये गिरफ्तारियां सियासी हलकों में एक हंगामा पैदा कर देंगी और पुलिस डिपार्टमेंट में जलजला आ जाएगा। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। बाहर में जाए पुलिस। सिर्फ बुजदिल और कमजोर पुलिस का सहारा लेते हैं। क्या जमाना आ गया, पहले जनता नेता की पूजा करती थी, आज वही जनता हिंसावादी बन के नेता को घर से उठा लेती है। मैं उन चारों की अर्थी उठवा दूंगा, सिर्फ एक बार बद्रीनाथ जी वापस मिल जाए। सरकार, उनकी वापसी पर मैं ऐसा जुलूस, ऐसी पदयात्रा निकालूंगा कि जनता उनके पीछे पागल हो जाएगी और सारी वोट उनकी जेब में आ जाएंगे। बंद करो अपना भाषण तिवारी। सरकार, भाषण से ही सियासत है, अगर ये बंद हो गया तो हम नेताओं की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। दुकान खुली रहेगी तिवारी, बस अमर और उसके साथी मेरे हाथ लग जाए, बस। आओ जल्दी से निकालो। चलो बैठो, ला जल्दी। ए, सुनो ना, पैसा देता हूँ, नौकरी देता हूँ, घर देता हूँ। क्या कर रहे हो? ले, चुप, आप पता चलेगा। एक मिनट, जरा नेता तो लगने दे। यस, आप ले बेटा, वो लोग भूखा बैठा होगा, हंस जा, पर देख जरा आजू बाजू में देख के होशियारी से जाना। घबराओ माता आंटी, मुझे कुछ नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू माय सन।
आईजी साहब ये देखिए बाबा भट्टी ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मुझे इंसाफ चाहिए इस बहते हुए खून के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी जाने बाबा भट्टी ले चुका है और जिनकी जाने लेने वाला है वो। आईजी साहब मुझे मुझे इंसाफ चाहिए। ला इल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद। इंस्पेक्टर कैलाश येलो वारंट। थैंक यू सर। माथे का पसीना पहुंच लड़की, फिर मेरे सवाल का जवाब दे। तुम्हारा सवाल बद्रीनाथ का पता है और हम नहीं जानते वो कहां है। झूठ। औरत की फितरत राज जानना और राज फाश करना, मगर मेरी फितरत है गोंगों से बुलवाना, बहरों को सुनने के लिए मजबूर कर देना और छोटों की जुबान से सच उगलवाना। ये तुम्हारा गुरूर है। औरत अपनी आन पर आ जाए तो अपनी जान दे देती है मगर जबान नहीं खोलती। तो फिर आज तेरी खामोशी और मेरे सब्र का इम्तिहान होगा। हमने घर घर की तलाशी ली, बद्रीनाथ जी यहां नहीं है। मेरा बाप एक सवाल बन गया है और उस सवाल का जवाब सिर्फ अमर के पास है। आज से मैं हूं तुम्हारा चौथा सिपाही। Thank you.
चलो। आग उगलती हुई ये भट्टी तुम सबको निगलने के लिए बेचैन है। अगर अमर मेरे बाप को लेकर यहां नहीं आया तो तुम सब इस नर्क की आग में झोंक दिए जाओगे, और तो भी तेरे गोरे बदन की राख भी देखने को नसीब नहीं होगी तेरे यार। अरे नीच कमीने, इतने मासूम लोगों की जान के पीछे पड़ा तू, तेरे जैसा बुजदिल नहीं देखा मैंने। बुजदिल तो तेरा यार है जो धोखे से मेरे बाप को उठा ले गया। हम तो डंके की चोट पे तुम सबको सबके सामने से लाए, और अब सिर्फ 10 मिनट की मोहलत देता हूं तुम सबको। अगर 10 मिनट के अंदर वो हरामजादा मेरे बाप को लेकर नहीं आया तो एक चीख के साथ इस भट्टी में तुम सब भस्म हो जाओगे। तुम लोगों की जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 10 मिनट का फासला है। जब तक तू इन मासूमों को नहीं छोड़ेगा तुझे तेरा बाप नहीं मिलेगा। सौदेबाजी करने आया है बाबा भट्टी के साथ। तेरी बोटी बोटी करके मैं इस भट्टी में डाल दूंगा। जब तक तेरी शतरंज का सबसे बड़ा मोहरा मेरे कब्जे में है तो मेरा और इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा भट्टी जब जिंदगी और मौत की बाजी बिछाता है तो जीत उसी की होती है। छोड़ दे इसको। बता बता मेरा बाप कहाँ है। अमर बोल मेरा बाप कहाँ है। नहीं बोल। जब तक तू इन लोगों को नहीं छोड़ता मैं तुझे नहीं बताऊं तेरा बाप कहाँ है। ले संभाल इस बुड्ढे ठरकी को, रंडियों के इस दलाल को। बाबा इन हरामजादों को छोड़ना नहीं।
बहुत परेशान किया इन्होंने मुझे, पकड़ लो साले को, दाढ़ी तक काटी मेरी। वाह बेटे वाह, बुलबुल तेरे पंजे में है, आशिक तेरे पैरों तले, और इनकी मौत का तमाशा देखने वाले छींकों में टंगे। इसे आग में फेंकने से पहले मैं भी अपनी दिल की आग बुझाना चाहता हूँ। बहुत जुल्म किए साले ने तेरे बूढ़े बाप पे, लेकिन मैं भी बहुत पुराना पापी हूँ। मैं अपने बर्बादी का शोक नहीं बल्कि जश्न मनाऊंगा, तुझे तुझे रुला रुला के। God, please help us, God. गिरफ्तार कर लीजिए हमें। नहीं अमर,
बरसों कानून के अंधेरों में डूबे रहने के बाद आज जो सच्चाई का सूरज निकला है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसकी सिर्फ पूजा की जा सकती है। नहीं सर, मुझे इतने ऊंचे मुकाम पर ना बिठाइए कि कभी गिरूं तो हमेशा के लिए बेसहारा ना हो जाऊं। जो खुद दूसरों का सहारा हो वो कभी बेसहारा नहीं हो सकता। सारी जिंदगी तुम्हारे एहसान के बोझ तले दबी मैं उस चोटू को ढूंढती रही जिसने बचपन में एक फरिश्ते की तरह आकर मुझे कालीनाथ के चुंगल से बचाया था। आप? हाँ अमर, मैं ही वो हूँ जिसे नरक की आग से बचाकर तुम खुद जिंदगी भर अंगारों पर चलते रहे। और आज? आज जाकर आपका पता मिला? और अब समाज में खोई हुई इज्जत और मर्तबा भी मिलेगा जो तुम्हारा हक है। मैं दिलाऊंगी तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार। मैं आपके इस प्यार और उपकार के लायक नहीं हूं। बिल्कुल हो, और यह है तुम्हारी नेकी और सच्चाई का इनाम। और सर मेरा इनाम आपके पीछे है, मैं वहां चला जाता हूं आपकी इजाजत से डंडा घुमा के। Thank you.